और ये इसके वाइपर है, ये देखिए, ये देखो, ये मैनुअल वाइपर है गाइस। अगर लैंड ओवर डिफेंडर की बात करी जाए तो आपके मन में ये मज आती है, लेकिन कभी लैंड ओवर डिफेंडर ऐसी भी थी? मैं दिल्ली रहता हूँ जहाँ पे डीजल गाड़ी को 10 साल बाद टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, बट यहाँ पे ये थाईलैंड के अंदर गाड़ी अप्रूव्ड है टू रन ऑन रोड। ऐसी सेम कार क्वीन ऑफ इंग्लैंड के पास भी, मतलब जो अब शी इज़ डेड नो मोर, उनके पास भी ऐसी सेम थी। शी वॉज ऑल्सो अ बिग फैन ऑफ लैंड रोवर सीरीज। और यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, लैंड रोवर इंग्लैंड। यूजली चढ़ने के लिए कुछ होना चाहिए, पकड़ने के लिए भी कुछ नहीं है यहाँ पे। और इसका ये जो देख रहे हो आप, ये आगे से इसको आप यू टर्न करोगे और ये शीशा आप इसको बाहर की तरफ फुल कर सकते हो। सेपरेटली यहाँ पे एयर कंडीशन लगाया गया है, बिकॉज अगर ये गाड़ी लंदन में चलती है तो वहाँ पे मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं होती एयर कंडीशन की, बट सिंस ये बड़ी गर्म कंट्री है जैसे इंडिया है, सो इसकी ज़रूरत होती है, तो ये आफ्टर मार्केट फिट कर रखे, बट विद द प्रॉपर केयर। एंड हम लोग इस वक्त खड़े हैं लैंड रोवर का ऑफिशियल शोरूम में। ये 44,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑटोमेटिक नहीं है, दिस इज 4 गियर, रिवर्स आगे लगता है 1, 2, 3। दिस इज आई थिंक ये ऐसे कर रहे हैं, यहाँ से कुछ फ्लिप खुल गया, मे बी हवा अंदर आएगी। दिस इज लुक्स लाइक एयर कंडीशन, देखो यहाँ से सीधा हवा आएगी अंदर, अगर वो गर्मी लग रही है। दिस इज अ नेचुरल एयर कंडीशन जो डिफेंडर में दे रखा है। स्टीयरिंग देखो, उस वक्त एयर बैग वॉज नॉट कंपल्सरी। ये हॉर्न है इसका और दिस इज द गियर। वाह, और ये इनकी हैंड ब्रेक है, आफ्टर मार्केट है। कूलिंग टेम्परेचर, दिस इज द वाटर कूल्ड है। दिस ऑल हैज बीन रिस्टोर्ड। आई थिंक 3 लोग आगे और आई थिंक 4 लोग पीछे बड़े कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इसमें, डिफेंडर में। आप इसका पैडल देखो, राइट हैंड साइड ड्राइव है, वेरी नाइस रेस्टोरेशन। और अगर मेरे ख्याल से हमें ये मिले और रोड अप्रूव्ड हो तो ये गाड़ी कम से कम 1 करोड़ से ऊपर की है। और ये इसके वाइपर है, ये देखिए, ये देखो, ये वाइपर है इसके, ये मैनुअल वाइपर है, ये ऑटोमेटिक वाइपर से बहुत टाइम पहले का है आविष्कार। पूछा है, और दिस इज एक्चुअली 4x4, ये है नई डिफेंडर। अगर इसको इससे कंपेयर करे जाओ तो जब भी मैं किसी शोरूम में आता हूँ ना, गाड़ी जैसी लेता हूँ तो लगता है ऑन करके भाग जाए। ये है आज की डिफेंडर, कहीं से नहीं लगेगा कि पहले वो वैसी थी। स्पेक्स आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन जाके, बस हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं उस गाड़ी का, बिकॉज ये सब इंडिया में अवेलेबल है, आपको इंडियन यूट्यूबर्स भी काफ़ी कुछ दिखा चुके होंगे। ये लॉक है, दिस इज कि आप इसके ऊपर जा सको, चढ़ सको। 3, 4, 5 लोग बैठ सकते हैं। पुरानी वाले में कितने लोग बैठ सकते हैं? 7, इससे एक एक्स्ट्रा। तो आई होप ये आपको कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा हो, कि हम आपको इंटरनेशनली भी गाड़ियाँ दिखा रहे हैं। एंड ऐसी मतलब दैट इज़ अ मस्ट बाय, अगर इंडिया में इतने की मिल रही हो तो।